स्वास्थ्य विभाग भी इसलिए मुस्तैद है, मैं आज विशेष रूप से आज पौंडरी में आया था क्योंकि हमारे यहाँ पीएससी प्लांट लगना है उसकी देखने आया था। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैडम की आज छुट्टी है क्योंकि मैं तो शनिवार इतवार दोनों दिन काम करता हूँ। बहरहाल मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है तो इसके बारे में मेरी मैं जल्दी करूँगा कि पीएससी रीफिलिंग प्लांट यहाँ लग जाए क्योंकि यहाँ डेडिकेटेड बेड जो कोविड के वो 10 ही हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि ऑक्सीजन मिल जाए उनको और यहाँ से, क्योंकि कैथल जिले के अंदर सिलेंडर भरने वाला प्लांट कोई नहीं है, तो अगर रीफिलिंग प्लांट पीएससी रीफिलिंग प्लांट यहाँ लग जाए तो न केवल रोगियों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम भी होगा और उससे एक और फायदा होगा कि प्राइवेट अस्पताल जो सिलेंडर वहाँ से फिल कराएंगे उनसे सरकार को आय भी हो। ये मैं तो औचक में हूँ, मैं तो निकलता रहता हूँ, ये मेरा 6ठा 7वां अस्पताल है जिसको चेक कर रहा हूँ और मैं कभी शाम को कभी रात को, मैं रात के 2 बजे भी चेक करता हूँ, कुरुक्षेत्र में क्षेत्र वाले लोगों को पता है। और क्या लगता है कुछ खामियाँ मिली यहाँ? कुछ ऐसी सफाई की कमी मिली, कुछ कर्मचारी थोड़े लेट आए हैं तो उनको आज मैंने समझा दिया कि समय पर आएँ और एसएमओ साहब को कारण का जवाब लेके भेजें और जो जो कमियाँ मिली हैं मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला दौरा होगा वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और हमारे जो उपायुक्त हैं बड़े ऊर्जा से लबरेज हैं, प्रदीप दहिया जी बहुत काम करते हैं, आप सारे जानते हैं, दिन रात लगे रहते हैं वो, और उनके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज हैं उनके सपनों को साकार करने में हम स्वास्थ्य विभाग जो है जी जान से लगे। तो जैसे कि तीसरी वेव की तैयारी बता रहे हैं भी, कैसी चल रही है आपकी यहाँ? जी देखिए यहाँ तो 10 डेडिकेटेड बेड है लेकिन मैं क्योंकि सिविल सर्जन हूँ कैथल का तो हमने वहाँ इंतजाम किया हुआ है। 22 बेड तो हमने अलग से बच्चों के वार्ड के लिए किए हैं और कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमने सरकार से मांगा है लेकिन हमारा विभाग इससे मुकाबला करने के लिए मुस्तैद है और हमें कोई शक नहीं मुझे इस मामले में कि यदि हम मन से आस्था से निष्ठा से काम करेंगे तो कोरोना जैसे राक्षस को जो बहुरूपिया दिखता नहीं है उसको दूर देश से भगाने में हम सफल होंगे।